हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देखिए, अब जो आज जो बैंक निफ्टी में जो मूव हुई है वो जो सेकंड सेशन में आके हम जो है थोड़ा ऊपर की तरफ निकलने की हमने कोशिश किया, बट फिर भी अभी भी हमने जो है 23,150 के लेवल को अभी हम नहीं निकाल पाए हैं। फिलहाल जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 दिनों से बैंक निफ्टी जो है सेम तरह की कैंडल बनाते हुए चली जा रही है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया था तो एक ऐसा था कि मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बैंक निफ्टी अब यहाँ से फिर जो है कंटिन्यू कर सकता है, बट यहाँ पर जो अब 2 दिनों से कंटिन्यू डोजी बन रही है तो यहाँ पर एक साइन है हमको, बैंक निफ्टी हमको बता रहा है कि अभी जो है बायर्स में थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो गई है। सो यहाँ पर बायर्स अभी ऊपर लेके जाना जा रहे हैं बट ऊपर लेके जा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, बट फाइनली अगर देखा जाए तो नीचे से बायर का ही प्रेशर ज़्यादा है। अब हमको कल की डेट में क्या करना है, कल को बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है, चलिए आइए उसके बारे में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आज बैंक निफ्टी में जिस तरह से ट्रेड हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए हम जो है 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगा लेते हैं और 15 मिनट के चार्ट में अब यहाँ पर बात करेंगे। तो फाइनली अगर हम देखिए, ये जो है आज रेड कलर की जो कैंडल है ये आज 15 मिनट की ओपनिंग की कैंडल है, ये 9:15 एक कैंडल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनली बैंक निफ्टी ने जो है कंटिन्यू आज पूरे दिन जो है एक रेंज में ही समझ लीजिए ट्रेड किया है। इसका जो हाई लगा वो 29,920 के आसपास का लगा और जो लो लगा था वो 29,500 के आसपास का लो लगा हुआ था। तो फाइनली आप यहां पर देख सकते हैं कि इन 400 पॉइंट्स के बीच में जो है बैंक निफ्टी कंटिन्यू सस्टेन करता रहा। यहां पर देखिए, जब मैंने आपको यहां पर एक कॉल भी दी थी पुट साइड के लिए, ये जब यहाँ पर इसने एक डबल टॉप टाइप का यहाँ पर पैटर्न बनाया था, ये जब लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक पुट कॉल भी दी थी और जो है उसमें हमने 1:1.5 के नियर अबाउट हमने वहाँ पर प्रॉफिट जो है हमने बुक किया था। तो फाइनली आज हमने भी जो है पांच ट्रेड लिए थे ऑप्शन में, तो पांच के पांच ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल थे, बट वो प्रॉफिटेबल नहीं थे जो प्रॉफिटेबल होने चाहिए, क्योंकि आज मार्केट रेंज बाउंड थी। जो सो छोटे छोटे प्रॉफिट मिले, 1:1 का मिला, 1:1.5 का मिला, 1:1:2 का मिला, बट ठीक है, प्रॉफिट होने से मतलब है छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट मैटर, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर जो सेकंड सेशन जब स्टार्ट हुआ था 12 बजे के बाद से, जो है 1 बजे के बाद से यहाँ पर जो है एक कंटिन्यू मूव आई थी, तो इस मूव में जो है हमने एक यहाँ पर अच्छा एक प्रॉफिट बनाया था, 1:3 का यहाँ पर प्रॉफिट बनाया था। तो वो चीज़ें सारी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी थी और मैं टेलीग्राम में कंटिन्यू आप लोगों को चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पर चार्ट जो है मैं कंटिन्यू आपको 1-1 घंटे पर चार्ट शेयर करते रहता हूँ कि मार्केट में अभी कौन सा सपोर्ट काम करने जा रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस है अभी मार्केट में, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है, वहां से आप जो है टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन में किस तरह से ट्रेडिंग होती है वो सारी चीज़ें जान सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कल की डेट में हम जो है हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। पहले मैं यहाँ पर इसको 1 आवर का चार्ट करके पहले इसको हम एक बड़ा सा फिगर ले लेते हैं कि अब हमारे पास लेवल कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एक देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसके आसपास मार्केट जो है कंटिन्यू हर्डल लेती रही और इस लेवल को फाइनली क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, तो अब हमको देखिए क्या करना है। अब मैं यहाँ पर एक 30 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो एक लेवल था, देखिए इस लेवल से ही ये जो हमारा नियर अबाउट 29,800 के आसपास से ही, यहाँ पर हम देखेंगे 18 नवंबर का चार्ट, तो यहाँ से देखिए यहाँ से रिवर्स हुई थी। उसके बाद फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पर 25 नवंबर को भी इसने यही हाई लगाया था, फाइनली यहाँ से रिवर्स हुई थी। और ये देखिए रिवर्स होके कहाँ पर जा रहा है, रिवर्स होने के बाद ये एक नीचे से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और इसी ट्रेंड लाइन पर आकर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक कर जा रहा है। तो फाइनली अगर अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट अभी बैंक निफ्टी पूरा रेजिस्टेंस लेवल पर अपने खड़ा है और फाइनली अब यहाँ पर मैंने एक ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और आपको जो है बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर समझाऊंगा कि कल की डेट में हमको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो इसको जो है मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। अब मैंने इसको रेड कलर कर दिया है। तो अब देखिए, अब ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी हुई है, अब कल के लिए हमारे लिए यही ट्रेंड लाइन और जो ऊपर मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, जो मैंने ब्लू शेड में ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब कल हमको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन से जो है
बाउंस बैक लेने के बाद अगर ये 29,900 का लेवल निकालती है, 29,920 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमारा यहाँ पर अगला टारगेट रहेगा 30,000 का और 30,110 का। और मान लीजिए अगर यहाँ पर जो है ये फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो है देखिए हम जो एंट्री लेंगे वो एंट्री लेंगे 29,650 की क्लोजिंग के नीचे। लेवल ध्यान से सुन लीजिएगा, 29,650 की क्लोजिंग के नीचे हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और हमारा यहाँ पर जो पहला टारगेट होने वाला है वो टारगेट होगा हमारा 29,520 का, और दूसरा टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से ये जो सपोर्ट लेकर कंटिन्यू आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से जो है सपोर्ट ले सकती है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम जो है यहाँ पर इसको मार्केट ट्रेड बना सकते हैं, पुट साइड में ट्रेड बना सकते हैं, पुट साइड में बाइंग कर सकते हैं। देखिए अब मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग का बता दिया, अभी मैं आपको गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग दोनों चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और बैंक निफ्टी आपको 29,650 के नीचे मान लीजिए क्लोजिंग हो जाती है, मान लीजिए 100-200 पॉइंट्स की कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और 29,650 के नीचे क्लोजिंग होती ओपनिंग होती है, तो आपको क्या करना है, आपको एक 5 मिनट की कैंडल की वेट करनी है, 5 मिनट का कैंडल आपको फॉर्म होने देना है। उसके बाद अगर वो बैंक निफ्टी उसका लो ब्रेक करती है तो आपको वहाँ पर क्लियर कट सेल की एंट्री बना लेनी है, और हमारा टारगेट जो है ये ट्रेंड लाइन, ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखिए जो नीचे से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हमारा टारगेट होने वाला है। और उसके बाद देखिए उसके बाद की भी मैं आपको प्लानिंग बता देता हूँ कि आपको उसके बाद किस तरह से ट्रेड करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड बना लिया और इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपना आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, अब यहाँ पर आपने एक वेट करना है। वेट क्या करना है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनने का या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने का या किसी भी तरह के बुलिश साइन का यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आके मार्केट फिर जो है बाउंस बैक कर सकती है। सो ये आपको मैंने अगला ट्रेड बता दिया कि अगला ट्रेड आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अब देखिए अब हम बात करेंगे, हमने फ्लैट ओपनिंग की बात कर ली, हमने गैप डाउन ओपनिंग की बात कर ली, अब हम बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की, कि गैप अप ओपनिंग में हमने किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 29,786 पर, ठीक है, तो अब हमको मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हमको मिलती है 29,920 के ऊपर, मान लीजिए यहाँ से 100 से 150 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर हमको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन मीन्स आपको इस तरह से जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, मैं आपको जो है फिगर दोबारा बना के समझा देता हूँ कि प्राइस एक्शन को हम किस तरह से करते हैं, ये है प्राइस एक्शन, ठीक है। तो हमने जो है एक प्राइस एक्शन का यहाँ पर वेट करना है, और फाइनली जब ये डे हाई जब क्रॉस होगा, ये जब डे हाई क्रॉस होगा तो इसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री बनानी है, ठीक है। तो फाइनली अब मैंने देखिए आपको बताया 29,920 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन का वेट करिए, बिकॉज ये देखिए एक 30,000 का जो है साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और साइकोलॉजिकल लेवल को देखिए क्रॉस करने में थोड़ी सी मार्केट को दिक्कत होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा चुका है। सो अभी देखिए बायर्स इतने ज़्यादा अभी मेरे को एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, सो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख सकता है कल को। वैसे मैं जो है देखिए यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग का देखिए प्राइस एक्शन का वेट करिए, उसके बाद अगर आपको देखिए उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं नियर अबाउट 30,010 के लेवल पर और 30,150 के लेवल पर, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको अगला ट्रेड भी समझाता हूँ, अगला सिनेरियो समझाता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है। मान लीजिए आपसे ये ट्रेड मिस हो गया, तो उसके बाद मान लीजिए मार्केट आपको इस लेवल पर मिलती है जहाँ से लास्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुई थी, अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिलती है 30,174-180 के आसपास कहीं मिलती है, तो यहाँ पर हमको जो है एक डबल टॉप पैटर्न हमारा फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होने के बाद हम यहाँ पर कुछ बियरिश साइन दिखने के बाद अपने कन्फर्मेशन करने के बाद हम यहां पर जो है फिर सेल का ट्रेड बना सकते हैं। देखिए अब मैं आपको जो है मिड ट्रेड मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। देखिए गैप अप बता दिया मैंने, गैप डाउन बता दिया, फ्लैट ओपनिंग बता दिया किस तरह से करना है। अब इन बिटवीन मान लीजिए मार्केट आपको 11 बजे 12 बजे 1 बजे मान लीजिए अगर इस लेवल पर मिलती है, देखिए सिंपल और बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से पैसे बना सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको मार्केट यहाँ पर मिलती है तो आपने सेल साइड देखना है, अगर मार्केट आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर मिलती है आपने बाई साइड देखना है, बस और कुछ नहीं करना है, बस आपने एक कंफर्मेशन की वेट करनी है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की नॉलेज है तो आपने उस पैटर्न के हिसाब से जो है अपने ट्रेड कंफर्म करने हैं, आपने बस इतना सा करना है। लेवल मैंने आपको बिल्कुल समझा दिए हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग, और इन बिटवीन आपको 11-12 बजे कभी भी इस लेवल पर 30,180 के लेवल पर आपने जो है एक बार सेल ट्रेड जरूर बनाना है। यहाँ पर मार्केट जो है सेल साइड के लिए जो है मतलब यहाँ पर सेलर एग्रेसिव होंगे, सेलर यहाँ पर जो है एक्टिव यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 30,180 के लेवल पर
आप जो है सेल ट्रेड बनाइए, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको मिलता है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से ड्रॉ करके रखी हुई है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप जो है बाइंग ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए आइए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी की तो चर्चा हमने कर ली। सेकंड देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको बहुत सारे ट्रेड भी मिलेंगे। मैं आपको देखिए वहाँ पर हिंट देते रहता हूँ, चीज़ें बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। अगर आपको मेरे पर्सनल कॉल चाहिए तो आप जो है हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में, अलाइस ब्लू में। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको हमारे पर्सनल इंट्राडे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पर जो ट्रेड मैं खुद करता हूँ वही ट्रेड मैं वहाँ उस ग्रुप में देता हूँ। सो मैं आप लोगों को अकाउंट ओपन होने के बाद उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वो ग्रुप आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री है। सो जो ट्रेड मैं करता हूँ वही ट्रेड आप करिए, पैसे बनाइए, अकाउंट अपना ग्रो करिए। चलिए आइए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। अब हमने सबसे पहले कर लिया एक्सिस बैंक। देखिए मैं आप लोगों को कई दिनों से बताते हुए आ रहा हूं कि अब ये लेवल जो है 590 का लेवल एक्सिस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसको सेल करेंगे 590 के नीचे, और यहाँ पर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और अब हम यहाँ पर बाइंग जो है करेंगे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद। सो यहाँ पर जो है पेशेंस वाली सिचुएशन है अभी, तो यहाँ पर पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पर अगर पैसे बनाने हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 590 के नीचे हम यहाँ पर सेल साइड देखेंगे, और ट्रेंड लाइन ये ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ हम जो है बाई साइड देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो देखिए बंधन बैंक मैंने आपको यहाँ पर प्रेफर किया था 330 के ऊपर, तो 330 के ऊपर फाइनली आज इसने जो हाई देखिए लगा दिया है, इसने हाई लगा दिया 381 का। अब यहाँ पर देखिए ये एक अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, 380 और 400 के बीच में अब इसका जो है एक रजिस्टेंस जोन है। सो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है इंटरडे के लिए। अगर ये कल 382 के ऊपर निकलता है तो आप 385, 388 और 392 रुपये के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये ग्रीन कैंडल बताई थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। ये ग्रीन कैंडल ये जो मैंने आपको बताई हुई है 18 नवंबर की, मैंने आपको बताया था अब इसका हाई ब्रेक होने के बाद ही हम जो है बाइंग साइड जाएंगे। तो फाइनली देखिए इसने जो है फ्राइडे के सेशन में इसका हाई ब्रेक कर दिया था। सॉरी मैं आप लोगों को फ्राइडे के बाद में वीडियो बना के दे नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी था, सो मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं बता पाया था। तो अब देखिए 62.5 के ऊपर इसने फाइनली जो है फ्राइडे क्लोजिंग दे दी थी, और आज जो है क्लियर कट यहाँ पर बाइंग थी, तो 62.5 के ऊपर ही बाइंग थी आज, और यहाँ पर देखिए इसने 66 का जो है हाई लगा दिया है। नेक्स्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक को देखिए मैंने आपको बताया हुआ है 1450 की क्लोजिंग आने दीजिए, 1450 की क्लोजिंग के ऊपर ही हम बाय करेंगे, वो चाहे इंट्रा डे हो वो चाहे पोजिशनल हो, 1450 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तभी हम इसमें बाय करेंगे। कल अगर आपको 1450 के ऊपर कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप जो वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। तो अब ICICI बैंक देखिए मेरे को यहाँ पर अब मजबूत दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से ड्रॉ करी थी, और फाइनली इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दे दी है। देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है क्लोजिंग आ गई है। अब यहाँ पर जो है आप बाइंग के लिए अगर देखना है तो 490 रुपये के ऊपर कल आप जो है इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, 495 और 500 इसका जो है टारगेट रहेगा। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने देखिए आज फाइनली आज ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये हमारा जो है देखिए लेवल था 870 का। देखिए मैंने 10-12 चार्ट जो है मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किए थे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, जिसने पोजिशन जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, जो बड़े पैसे बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने देखिए टेलीग्राम में मैं हर वीकेंड पर जो है मतलब 10 से 15 चार्ट पोस्ट करता हूं जो मतलब ब्रेकआउट देने वाले हैं, और मतलब उनमें से देखिए ऑलमोस्ट 90% स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा करके जाते हैं। कुछ ही ऐसे स्टॉक होते हैं जो या तो हमारा एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं होते हैं, या तो फिर कुछ 10-20 पॉइंट ऐसे शायद करते हैं, बट 90% वहाँ पर ट्रेड हमारे जो है अच्छे जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर देखिए अब इंडसइंड बैंक ने दे दिया है यहाँ पर ब्रेकआउट। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं 900 रुपीस के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पर या तो इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, 870-875 के आसपास आपको मिलता है, फिर आप यहाँ पर जो है छोटा सा SL रखकर यहाँ पर 830 का SL रखकर आप जो है लॉन्ग यहाँ पर कर सकते हैं। इंट्राडे वालों के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर 900 के ऊपर एक कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर चाहिए हमको। 900 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है, मान लीजिए 900 के ऊपर जो 15 मिनट की क्लोजिंग आती है उसका हाई है 905 का, तो हम 905 के ऊपर वहां पर जो है इंट्राडे में अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो देखिए कोटक बैंक में जैसी आज उम्मीद थी आज वैसा कोटक बैंक ने किया नहीं। आज मुझे ऐसा था कि मतलब ये कोटक बैंक जो है 1940 का लेवल ब्रेक करेगा, सो यहाँ पर हमने पोजिशन एंट्री यहाँ पर बनानी थी शॉर्ट टर्म के लिए, जो हम
एक हफ्ते से 10 दिन की हम जो एंट्री बनाते हैं, जो हम ट्रेड बनाते हैं, वो हमने आज बनाना था इसमें, बट इसमें नहीं बन पाया। 1950 के ऊपर की क्लोजिंग हमको इसमें चाहिए। देखिए अब इंट्राडे वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, 1950 के ऊपर का अगर क्लोजिंग आती है तभी इसको बाई साइड देखिए, अदरवाइज इसको जो है अभी इग्नोर करिए। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है 30 का जो लेवल था, यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आपको 30 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो फाइनली इस कैंडल क्लोजिंग दिया था और थोड़ा सा सस्टेन हुआ था 2 दिन के लिए, और फाइनली यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया था अब 31 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, और फाइनली इसने अपना हमारा टारगेट जो है अचीव कर दिया है, 34 का टारगेट हमारा जो है अचीव हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक भी देखिए अब हायर लेवल पर जाके जो है कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई हुई है आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन ही अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अब ये ट्रेंड लाइन जब तक क्रॉस नहीं होती तब तक हम ऊपर बाय साइड के लिए नहीं देखेंगे, और यहाँ पर देखिए फाइनली डोजी कैंडल बनी है, 219 रुपये के नीचे कल अगर निकलता है तो हम इसको सेल साइड के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल बनने के बाद जो है देखिए ऑलमोस्ट 10 दिनों से इस कैंडल के अंदर ही मतलब कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर पोजिशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। पोजिशन मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, जो अब आप 5 से 7 दिन 10 दिन रख सकते हैं। 253 के ऊपर निकलता है तो 253 के ऊपर एक 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमको, 254 की आ जाए, 254.5 की आ जाए तो हमको मतलब 253 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 253 के क्लोजिंग के ऊपर हम यहाँ पर जो है बाइंग साइड ट्रेड बना सकते हैं। इंट्राडे में भी अगर आपने बाइंग करनी है तो कम से कम 253 के ऊपर ही करिए, उसके नीचे ट्रेड मत करिएगा, अदरवाइज आप जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एंजल टेक एनालिसिस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ ट्रेड करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।